कि सारी सखियां श्री राम जी और जानकी जी की सुंदर भावना हो रही है। गुरु जी ने कहा कि इधर भी तीन लड़के हैं, इधर भी तीन लड़कियां हैं, इसलिए यहीं पर विवाह हो जाए। तो श्री भरत लाल जी के लिए श्री मांडवी जी का हाथ मांगा, श्री लक्ष्मण लाल जी के लिए श्री उर्मिला जी, श्री सूरती कीर्ति जी का हाथ श्री शत्रुघ्न जी महाराज के हाथ में, और सुंदर भावरे होने लगती है। सारी सखियां मंगल गीत गा रही हैं और सिया जी और श्री सारी सखियां गीत गा रही हैं और सुंदर भावरे हो रही हैं। सिया तेरो परम सरकार को लेकर के चलती है कोहबर में। तो अब श्री सारी सखियों ने श्री राम जी को रोका, कहा सरकार बिना टैक्स के आप नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम कोई जेबिया में कुछ लेकर के थोड़ी आए हैं, गुरु जी के साथ में आए तब यहाँ आकर के विवाह हो गए, हमें थोड़ी पता था, तो अब कुछ लेकर के आते तब ना देते। सखियों ने कहा चलो ठीक है, तो घर से आए थे मांगीलाल बनकर के, तो यहाँ आकर के वर हो गए हैं, चलो ठीक है इनको जाने दो, अब फ्री में अंदर चले गए। अब श्री सखियों ने श्री राम जी की चरण पादुकाओं को चुरा करके सुंदर चौकी पर रख दिया और लाल कपड़े से ढक दिया। और श्री राम जी से कहा सुनिए सरकार, ये हमारी कुल की देवी है, अच्छा तो आप तनिक इन्हें प्रणाम करो। तो श्री राम जी तो बेचारे सीधे है, कहा ठीक है कर रहे हैं प्रणाम। लक्ष्मण लाल जी का हो भैया ध्यान से, इनका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किसको प्रणाम करवा दे। तो लक्ष्मण लाल जी का सुनिए, हम रघुवंशी लोग हैं और हम चाहे जिसको प्रणाम नहीं करते हैं। तो बोले ससुराल की गलियां हैं यहाँ, तो जो जो कहते हैं तुम तुम करना पड़ता है। तो बोला अच्छा अपने कुल की देवी को दिखाओ तभी प्रणाम करेंगे। तो सखियों का देखिए हम कह रहे ना बाद में दिखाएंगे, पहले प्रणाम करो। लक्ष्मण लाल जी का ना पहले दर्शन कराओ तब प्रणाम करेंगे। तो सखियों का है थोड़े ज्यादा चतुर है, इनको आगे बढ़ाओ। तो पीछे इन्होंने श्री भरत लाल जी की जोड़ी को पकड़ा, भरत लाल जी से कहा कि आप तनिक प्रणाम करिए। तो श्री भरत लाल जी तो ठहरे साधु,
दौड़ करके और लंबा साष्टांग प्रणाम कर दिया। सखियों ने कपड़ा हटाया और खिलखिला करके हंसी, बोले ये तो आपके भाई साहब के चरण पादुका थी। तो श्री भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले आज से आप मेरी गुरु बन गई हो, क्योंकि आज से पहले तो मैं सदैव भैया के चरणों को प्रणाम करता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे शिक्षा दी कि चरणों को प्रणाम करने से पहले चरण पादुकाओं को प्रणाम करना चाहिए, इसीलिए आप तो मेरी गुरु बन गई हो। सके उनका गुरु बनाओ चाहे चेला बनाओ, हमको आपका मजा लेना था सो ले लिया है। अब सखिया यहाँ से आगे बढ़ी, दुल्हन को यहाँ से हटा लिया और सुंदर कपड़े में ढक दिया है, और ऐसा ढका कि एक कोना भी खुला नहीं बचा है, और चारों दुल्हाओं को सामने लेकर के आई, बोले चारों लोग खड़े हो, बोले ठीक है। बोले देखिए सरकार है ना, ये हमारे कुल का रिवाज है। क्या रिवाज है? बोले अपने अपने दुल्हनिया को आपको पहचानना है, और जब पहचान में आ जाए तो उन पर अपनी अपनी वाली पर चावल को रख देना है। तो लक्ष्मण लाल जी हरबड़ी में रहते ही है, बोले इसमें क्या है, फटाफट रख करके काम खत्म करो भैया। तो सखियों का और छोटके सरकार, हमने क्या कहा है कि अपनी वाली पर ही चावल रखना है। तो बोले ये सब हमारा ही तो माल है। तो बोले ऐसा ही, ये सब अपने पिताजी का नहीं है। अगर आपका चावल गलती से भी आपके भाभी के सर पर चला गया तो फिर रघुवंश की मर्यादा का कहा होगा। अब चारों भाइयों को पसीना आ गया कि तो बहुत होशियार निकली है, अब पहचाने कैसे। थोड़ी देर विचार विमर्श किया और उसके बाद में राम जी का जो होगा सो देखा जाए, रखो। तो चावल रखे, सखियों ने कपड़े हटाए, तो सारी सखियां बिल्कुल करेक्ट निकल गई, अपनी अपनी वाली ही निकली। सखियों ने कहा कि एक कोना नहीं खुला छोड़ा था, कैसे पहचान गए आखिर में। तो श्री राम जी से पूछा कि बड़के दुला जी बताइए कि आखिर में आप कैसे जान गए कि सीता जी है। तो राम जी का कि देखो भैया, दो बार देखा था सीता जी को, एक बार तो वाटिका में देखा था और दूसरी बार वो भावरे देते समय देख लिया था, तो अनुभव से पहचान हो गई कि जानकी जी है। श्री भरत लाल जी से पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया कि मांडवी है। तो श्री भरत लाल जी का देखो अपना तो एक ही काम है कि धनुष पर बाण का संधान कर लेते हैं, और उसके बाद आंख पर बंधवा लेते पट्टी, और उसके बाद अपने जो भाई साहब खड़े हैं ना इनका नाम लेते हैं और आंख बंद करके बाण को छोड़ देते हैं। सीधा लगे तो ये जाने और ऊंचा लगे तो ये जाने, आंख बंद करके छोड़ देते हैं। बोले अच्छा। अब नंबर लक्ष्मण लाल जी का था, पर सखियों ने कहा कि थोड़ा ज्यादा बोलते, दिन से बाद में बात करेंगे। शत्रुघ्न जी से पूछा कि आपने कैसे पहचाने कि सूरति कीर्ति जी है। तो शत्रुघ्न जी का देखो भैया, चारों में सबसे छोटी हाइट हमरी वाली की थी, तो हम हाइट को देख करके पहचान गए। बोले अच्छा अच्छा। अब श्री लक्ष्मण लाल जी को पकड़ा, बोले चटकीले सरकार ये बताओ कि आप कैसे पहचाने कि उर्मिला जी है। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग बुद्धिमान तो बहुत बनती हो, लेकिन तोरे में इतनी अकल नहीं है कि जिन तीनों ने अपनी अपनी वाली चुन ली तो जो आखिरी बची हो मेरी है कि तुम्हारी है। मैं तो विचार कर रहा था, और गलती से भी अगर गलती हो जाती तो इन्हीं लोगों को डांटता कि तुम लोगों को दिमाग नहीं है, सोच समझ करके काम करना चाहिए, और अच्छा हो गया तो मेरा भी मौके पे चौका लग गया, मेरा भी काम बन गया है, इसलिए मैं विचार करके करता हूँ। सखियों ने कहा कि ठीक है। अब सखियां चिड़ारी कि देखो हमने एक बात सुनी है अयोध्या की। क्या? बोले अयोध्या की जितनी भी नारियां है ना, वो खीर खा खा करके बालक प्रकट करती है। तो लक्ष्मण लाल जी इनका सुनिए भैया, हम भी एक बात जानते। क्या? बोले अयोध्या की माताएं कम से कम खीर खा करके गर्भ में बालक को रखने का कष्ट तो देखती है, लेकिन मिथिला में क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले मिथिला में तो मिथिला के राजा रानी खेत में जाते हैं, फिर हल को चलाते हैं, फिर संदूक को खोलते हैं, और फिर बिटिया रिश्वत में ही बिटिया पा जाते हैं, इन्हें तो कोई कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता है। सखियों ने कहा देखो सरकार बहुत ज्यादा बोल रहे हो। इधर बड़ी बुजुर्ग ने कहा कि आप ज्यादा मत करो और चल करके इन्हें भोजन करवा दो। अब सारी सखियां लेकर के भोजन करवाने लगी। अब सखियां ऊपर अटारी पर है क्योंकि नीचे पुरुष वर्ग है। तो श्री महाराज दशरथ जी के साथ में चारों लालाएं बैठे हुए हैं राम जी और ये, और भोजन शुरू हो रहा है। तो श्री लक्ष्मण लाल जी ने सुंदर दाल भात भी बनाए है, जनक जी ने वो भी भोजन परोसा है। दाल देखो लड्डू आदि रसोई बनाते हो ना, तो उसको कैसे खाते हैं? तोड़ करके खाया जाता है। तो तोड़ना मने तोड़ना ही होता है। और दाल भात कैसे खाते हैं? मिक्स करके खाते हैं। तो इसलिए जनक जी ने कहा है कि जब शादी करो तो
तो हाँ एकादशी हो तो बात अलग है, लेकिन दाल भात जरूर बनाना चाहिए क्योंकि ये संबंध को जोड़ता है, मीठा बनाता है, ये भगवान का प्रिय भोग है दाल चावल। तो श्री जनक जी ने ये भी बनाया था, लड्डू भी थे। तो जनक लक्ष्मण लाल जी लड्डू को तोड़ रहे, वो लड्डू टूट नहीं रहा है। तो अटारी पर खड़ी सखियां गालियां तो दे रही थी, जब समधी नए नए भोजन करते हैं तो गालियां देती हूँ कि नहीं देती हूँ, देती हूँ ना। तो यहाँ पर भी सखियां दे रही है, तो इन्होंने देखा लक्ष्मण लाल जी के हाल की लड्डू नहीं टूट रहा है। तो सखियां कह रही है कि इनको देखो, ब्रह्मांड को उठा लेंगे गेंद की तरह और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालेंगे, और यहाँ देखो तो इनसे एक लड्डू भर नहीं टूट रहा है, और बात करते हैं ब्रह्मांड को उठा के फोड़ने की, लड्डू फूट नहीं रहा इनसे। लक्ष्मण लाल जी का भैया देखो बहुत ज्यादा बोल रही है ये लोग, और अब महाराज दशरथ जी को गाली दे करके गा रही है। तो राम जी का कि चाहे कितना भी हो जाए पर मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को भले मजाक में भी गाली दे रहे पर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा इनका उपाय करना ही पड़ेगा इलाज। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा हाँ भैया आप कर ही दीजिए। तो श्री राम जी ने आज पहली बार, कभी भी नहीं जब से मिथिला आए हैं, अयोध्या में भी आदत नहीं है, पर आज पहली बार श्री राम जी ने भोजन किया, और भोजन का कोल मुंह में लेते हुए ऊपर नजर की तिरछी, और श्री राम जी ने सखियों की तरफ मुस्कुरा दिया। और जब ये श्रीमान जी मुस्कुराते हैं ना जी, तो गाड़ी अपने ही पलट जाती है। तो सखियां गा रही थी महाराज दशरथ जी का नाम लेकर के गाली दे रही थी, श्री राम जी ने मुस्कुरा दिया तो राजा दशरथ जी का नाम तो बिचारी भूल गई, और जनक जी का ही नाम लेकर के गाली दिए जा रही है। लक्ष्मण लाल जी ने कहा बेटा दिए जाओ, अब हमारे जाने के बाद तो लोग पिटाई करेंगे कि हमारे समधी के सामने हम ही को गाली दे जा रही थी, सखियों को सुध नहीं है, जनक जी का ही नाम लेकर के दे रही है। इस तरह एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, ढाई महीना चटमंगली पट ब्याह नहीं होता है, नहीं हुआ राम जी का, इतने दिन मिथिला के लोगों ने बारात को रखा है। जब भी विदाई का समय आता कभी वो रोक लेते, कभी महाराज जनक जी रोक लेते, कभी कुशध्वज जी रोक लेते, कभी माताएं रोक लेती, कभी मंत्री लोग रोक लेते। आज श्री वशिष्ठ महाराज जी से महाराज दशरथ जी ने कहा कि अयोध्या में बहुत सारा काम काज है, इसीलिए राजा से कहो कि विदाई दे। तो श्री वशिष्ठ महाराज जी ने जनक जी से कहा कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत सारा काम काज है, इसलिए बेटी की विदाई तो आप जब भी करोगे तब आपको उतनी ही पीड़ा होगी, पर ये संसार का नियम ईश्वर ने बनाया है तो आपको निभाना पड़ेगा। जनक जी ने कहा ठीक है महाराज, आज अभी तक रोज जिस जनकपुरी में मिथिला में बच्चा भी रोने में नहीं समझता था, आज छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग कोई भी हंसना नहीं समझ रहा है। जैसे सुना कि जानकी जी की विदाई होगी, चारों तरफ करुणा के स्वर छिड़ गए, सारे लोग रोते हैं। जानकी जी की माता के पास में चारों दूल्हा सरकार आते हैं, मैया उनका सुंदर श्रृंगार करती हैं, माँ पिताजी विदा लेना चाहते हैं, आशीर्वाद दिया, और चारों ललियों को गोदी में लेकर के जानकी जी की माता सुनैना जी शिक्षा दे रही कि बेटा नारी का जीवन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जीना उसी तरह है कि जिस तरह माता गंगा अनंत मोड़ों से गुजरती है, बहुत कष्ट से भी गुजरना पड़ता है, कई पहाड़ों से छिलना पड़ता है, कचरों से होके जाना पड़ता है, गंदगी भी लोग करते हैं, फिर भी अपनी पवित्रता पर वाच नहीं आने देती, उसी प्रकार नारी का जीवन बहुत कठिन है, लेकिन चलना वैसी है जैसे माँ गंगा की धारा बहती है, कोई भी जीवन में पवित्रता पर आँच नहीं आना चाहिए। आपका विवाह इतने बड़े रघुवंश में किया है बेटा, इसीलिए कभी भी दुख हो तो घर में नमक मिर्ची खा लेना, लेकिन बाहर जाकर के किसी से कहना मत। मैया बहुत बड़े बड़े संस्कार देती है, और बार बार जानकी जी चारों बेटियों को गले से लगाती है, श्री मैया सुनैना। और इधर जनक जी महाराज पालकी को स्वयं अपने हाथ से सजाते हैं, यहाँ पर विडम्बना माँ के लिए नहीं है, उससे ज्यादा श्री जनक जी के लिए है। क्यों? क्योंकि जनक जी बहुत बड़े योगी है, इनके मन में कभी भी मोह नहीं हुआ है, और वो जगह श्री जानकी जी ने बना ली है, इसलिए परम योगी बैरागी जनक जी महाराज रोते हैं। महाराज दशरथ जी उधर से आए, गले से लगा लिया, जनक जी प्रणाम करने लगे, महाराज हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको कष्ट दिया है। जनक जी गले से लगाते हुए घोषणा करते हैं, देखो दुनिया में बेटी का पिता तो रोता ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दृश्य हुआ कि बेटी के पिता से भी ज्यादा बेटे का पिता रो रहा है।
श्री महाराज दशरथ जी रोते हैं। जनक जी बार बार कहते कि महाराज हमसे गलती हुई है तो क्षमा कीजिए। महाराज दशरथ जी से प्रार्थना करते कि चार जो बेटियां हैं ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इन्हें पलकों के समान आप रखना। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि राजन आप मेरे प्रणाम मत करो, मैं श्री राम का पिता राजा दशरथ ये घोषणा करता हूँ संसार के लोगों के सामने कि संसार के लोगों जिस समय आप लड़के को लेकर के लड़की को ब्याहने जाते हो उस समय छोटा वो नहीं होता है, छोटे आप होते हो। दान लेने वाला भिक्षुक होता है और दान देने वाला दाता होता है। दान लेने वाला छोटा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। इसलिए ये रिवाज है दुनिया का भी लड़का का पिता के आगे लड़की का पिता झुकता है, लेकिन महाराज दशरथ जी ने मना किया है कि छोटा तो लड़के का पिता होता है और लड़की का पिता बड़ा होता है, क्योंकि वो आपको अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर रहा है। बेटी नहीं दान कर रहा है, वो अपने हृदय के टुकड़े को दान कर रहा है। इसीलिए आप उस टाइम पर दहेज पर दृष्टि न डालते हुए उसकी बेटी पर ध्यान दो कि अपने हृदय को निकाल करके आपको दान कर रहा है। महाराज दशरथ जी ने कहा राजन आप चार चार रत्नों को दान कर रहे हो, इसीलिए आप बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूँ, ये मैं राम का पिता घोषणा करता हूँ। जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ते रोते हुए एक शब्द करुणा भरा निकला कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरी जो बेटी है जानकी जी, वैसे तो चारों लाडली है लेकिन जानकी जी के चरण में अगर कंकर भी चुभ जाए तो आप सूचना मिथिला भिजवा देना। पर इस पिता को क्या पता था कि जिस बेटी के चरण में कंकर भी ना चुभे ये चिंता आप कर रहे हो, पर इस बेटी के लिए तो मानो चित्रकूट में पहले से कुटिया तैयार है। जनक जी महाराज की करुणा देखी नहीं जा रही, महाराज दशरथ जी गले से लगा रहे और इधर पालकियां सजाई और उसी समय मिथिला के आंगन में पिंजरा रखा है उसमें तोता मैना दो संत है जिनका पालन पोषण श्री जानकी जी ने किया है। सुख सारी का जाने की जाए के साथ में भेजो। महाराज जनक जी ने कहा कि अगर इनको यहाँ रख लेंगे तो बार बार सीता की याद दिलाएंगे, जीने नहीं देंगे देवी, इसलिए इन्हें भी भेजो। तुरंत श्री जो तोता मेरा थे उनको भी विदा किया श्री जानकी जी के साथ में। बिना चरण पादुका के श्री जनक जी महाराज और माता सुनैना बहुत दूर तक विदा करने के लिए जाते हैं। बड़ी दूरी पर आने के बाद में श्री महाराज दशरथ जी जनक जी को गले लगा करके भेजते कि महाराज चिंता मत करो, मैं आपकी बेटियों को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करूंगा रखूंगा। महाराज जनक जी वहाँ से लौट करके आते हैं, बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाती है। और इधर मिथिला में जब आते हैं जनक जी आंगन में बैठे, अंदर जाने का मन नहीं है, आज पूरा आंगन सूना पड़ा है। माता पिता के हृदय में बेटी की विदाई का जो गम है उसको कोई भी भर नहीं सकता, लेकिन जो रिवाज है उसको तो पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए मिथिला का आंगन सूना पड़ा है और चारों बेटियों की विदाई हो गई, बारात अयोध्या में पहुँच जाती है। अब एक भजन गाएंगे, तब तक आरती वाले आरती की तैयारी करेंगे। बंसी बजा